हेगा देन फाइनली आज वाइकिंग्स वेलर की ऑफिशियल कास्ट को रिवील कर दिया गया है, बड़े से लेकर हर छोटे रोल के बारे में बताया गया, उसको अच्छे से डिफाइन भी किया गया है। ये इसकी ऑफिशियल कास्ट है, बड़े से बड़ा रोल और छोटे से छोटे रोल के बारे में बताया गया, तो वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देखना। पर गाइस उससे पहले माइकल हर्स्ट ने एक इंटरव्यू में ये भी कंफर्म किया है कि इसकी स्टोरी को मैंने नहीं लिखा है, जैक स्टुअर्ट ने लिखा है। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब मैंने जैक स्टुअर्ट की स्टोरी को अच्छे से पढ़ा तो उनकी राइटिंग और मेरी राइटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा, हालांकि जैसे मैंने सोचा था स्टोरी वैसी बिल्कुल भी नहीं है, पर यार वो बहुत ज्यादा अच्छी भी है। ये रहा उनका स्टेटमेंट, आप चाहते हो उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी मेन कास्ट की ओर। सबसे पहले है लेफ एरिक्सन, जिसका रोल प्ले करने वाले हैं सैम कॉर्लेट। लेफ एरिक्सन एक ग्रीनलैंडर है जो कि पेगन फैमिली से बिलोंग करता है, ये पेगन धर्म को मानता भी है, एक लड़ाकू फैमिली से बिलोंग भी करता है एंड खुद भी ये नीडर है, काफी दमखम वाला बंदा है, फिजिकली टफ भी है, यानी कि ये बंदा वाइकिंग वर्ल्ड में एक नई एंट्री लेगा। एंड अगर गूगल पर टाइप करोगे हु आर पेगन्स तो ये अजीब सा आर्टिकल दिखाया गया, और सिंपल शब्दों में पेगन एक अलग रिलीजन है। एंड इनकी कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो ये है यूक्रेन एंड रोमानिया। मे बी ये बंदा आपका अगला रैग्नर लॉथब्रोक हो। तो चलते हैं इसकी बहन की तरफ, यानी कि फ्रेडिस एलेक्स डॉटर के बारे में। इसका रोल प्ले किया है फ्रीडा गुस्टेफसन। फ्रीडा को इससे पहले आप द विचर में देख चुके हैं। देखो अगर बात करें इनके रोल की तो इनका रोल सिंपल सा, ये लेफ की बहन है, ये भी उन्हीं की तरह है, ये पेगन धर्म में मानती है, ये कैटेगरी में एक आउटसाइडर की तरह जाती है पर वहीं की होकर रह जाती है। तीसरा है हेरल्ड सीगर्सन, जिसका रोल प्ले करने वाले हैं लियो सटर। अगर बात करें इनके रोल के बारे में तो वाइकिंग्स नोबिलिटी पैदा तो हुए हैं पर मानते हैं क्रिश्चियन धर्म को, एम्बिशियस है, हैंडसम है, उसके बाद अकेला बंदा जो कि ओडिन और क्रिश्चियन के फॉलोअर्स को साथ लाया था। चौथे हैं ब्रैडली फ्रीगार्ड, जो कि रोल प्ले करने वाले हैं किंग ऑफ डेनमार्क का, वाइज सेवी एंड रूथलेस, यानी कि यार नॉर्मल तो है पर साथ में क्रूर भी है, मर्सीलेस, कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं। इसके बारे में बस इतना जान लो कि इसने वाइकिंग एज की 11th सेंचुरी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। पांचवे हैं जॉनस जॉनसन, जो कि रोल प्ले करने वाले हैं ओलाफ हेल्सन का। इनके बारे में इतना जान लो कि एक वाइकिंग है, फिजिकली ह्यूज, एम्बिशियस एंड अनफॉरगिविंग वाइकिंग। छठे हैं डेविड ओक्स, जो कि रोल प्ले करने वाले हैं एल्डमन ऑफ इंग्लैंड का। इनके बारे में पहले वीडियो में बात कर चुका हूं। उसके बाद आती है कैरोलिन हैंडरसन, जो कि रोल प्ले करने वाली हैं, भूल गया, जाल हाकना ग्रेट वॉरियर कैटेगरी की रूलर, बाद में बन जाती है लेफ एरिक्सन की बहन, यानी कि फ्रेडिस एरिक्स डॉटर की मेंटर। लास्ट है पॉलीमन, जो कि रोल प्ले करने वाली है क्वीन एफगुल्फ, क्वीन ऑफ डेनमार्क। ठीक है यार, ये जो है ना इंस्टाग्राम का बायो बहुत बड़ा लिखा है, तो उसको शॉर्ट में बोलूं तो अपने चार यानी कि अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स खेलेंगी, बस और कुछ नहीं। तो गाइस यदि वाइकिंग्स वेलहैला की फुल कास्ट यानी कि ऑफिशियल कास्ट है, तो इसके छोटे मोटे रोल्स के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं इस वीडियो के अंदर, तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड देखो यार, जो लोग सोच रहे कि यार इसमें इतना मजा नहीं आएगा क्योंकि इसमें वाइकिंग्स से पुराने कैरेक्टर्स नहीं है, तो यार देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें जो मेन लीड में जो है लेफ एरिक्सन, फ्रेडिस एरिक्स डॉटर, ये जो है ना इनका रोल बहुत ज्यादा खतरनाक भी होने वाला है, और उसके बाद विलियन द कॉन्करर। तो ये तीन रोल्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं वाइकिंग्स वेलहैला के लिए। तो इन्हीं से आपको वाइकिंग्स वेलहैला की एक न्यू और फ्रेश स्टोरी देखने को मिलेगी। एंड देखो इसकी स्टोरी को लेकर जैक स्टुअर्ट पे, जो कि इससे पहले डाई हार्ड जैसी मूवीज को भी बना चुके हैं, तो देखो यार मतलब हो सकता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्शन भी देखने को मिल सकता है, और ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो फिलहाल के लिए तो नहीं है, देखो इसके बारे में जो भी आगे नए नए अपडेट्स आते रहेंगे मैं ऐसे शेयर करता रहूंगा इसी चैनल के ऊपर, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो फिर बस यार आज के लिए तहीं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।